जिला मुख्यालय और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के ट्रैक्टर मालिकों ने पुलिस के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए सोमवार सुबह एमसी पार्क के बाहर धरना प्रदर्शन कर डाला। ट्रैक्टर मालिकों के धरना प्रदर्शन को ऊना जनहित मोर्चा का भी साथ मिला। ट्रैक्टर मालिकों का आरोप है कि पुलिस द्वारा खनन के नाम पर ट्रैक्टर मालिकों के खिलाफ चोरी के मामले दर्ज किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि लेबर की मदद से ट्रॉली में रेत और बजरी भरने वाले ट्रैक्टर मालिकों पर पुलिस का डंडा खूब चल रहा है, जबकि एक एक टिप्पर में करीब 20 से 22 ट्रॉली का माल भरने वालों के खिलाफ पुलिस की बोलती बंद हो जाती है। इस दौरान ट्रैक्टर मालिकों ने पुलिस और प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। उन्होंने कहा कि विधानसभा में बैठे कांग्रेस और भाजपा के विधायक मिली भगत करते हुए गरीबों पर अत्याचार कर रहे हैं। नेताओं के संरक्षण में टिप्पर भर भर कर जिला की संपदाओं को पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान आदि क्षेत्रों को भेज रही हैं, लेकिन उनके खिलाफ कार्यवाही करते हुए पुलिस अधिकारियों के भी हाथ कांपते हैं। ट्रैक्टर मालिकों ने प्रदेश सरकार और पुलिस प्रशासन को 15 दिन का अल्टीमेटम देते हुए कहा कि आने वाले 15 दिनों में पुलिस ने ट्रैक्टर मालिकों पर दर्ज की गई FIR वापस ना ली और गरीब परिवारों के खिलाफ जारी कार्यवाही को बंद ना किया गया तो सभी ट्रैक्टर मालिक अपने अपने ट्रैक्टर और ट्रॉली लेकर जिला भर की सड़कों को जाम करने से गुरेज नहीं करेंगे। हिमाचल प्रदेश में खनन और अवैध खनन एक मसला है और इसको लेकर के सरकार जिस प्रकार से ग्रीन ट्रिब्यूनल आया, ऊना में अवैध खनन हो रहा है, इन सब चीज़ों को लेकर के एक देखिए निश्चित रूप से मसला है, क्योंकि अवैध खनन मशीनी बहुत बड़ा हुआ है, स्वा में बहुत खड्डे पड़ गए हैं, लेकिन जिस आड़ में बंद किया है, खनन को बंद कर दिया, अब मैनुअली जो खनन होता है जिसमें ट्रैक्टर ट्रालियाँ जो रोजगार प्राप्त करते हैं केवल 700, 800, 1200 की ट्राली देते हैं, उनके ऊपर अगर वो खनन अगर वो ट्राली रेत की लाते हैं तो पहले तो चलान करते हैं 5000 का, उसके बाद ओवरलोडिंग है तो 3000 का, फिर चलान होगा, फिर FIR होगी, फिर अरेस्ट होगी, फिर बंदा चोरी का मुकदमा भुगतेगा। हिमाचली जो स्वरोजगार कर रहा है वो चोर कैसे हो गया, रेत की चोरी कैसे हो गई? पहले पुलिस के DGP संजय कुंडू यही थे जो कहते पुलिस कार्रवाई नहीं कर सकती, अब ट्रैक्टरों पर तो आप कार्रवाई कर रहे हैं, माफिया पर कार्रवाई नहीं कर रहे, माफिया से पैसा लेते हैं इसलिए नहीं करेंगे कार्रवाई, हमारी माफिया को संरक्षण देती है पुलिस इसलिए कार्रवाई नहीं करेगी, दफ्तरों बैठ के काम नहीं होता। अगर यही ट्रैक्टर वाले आपसे रोजगार मांगेंगे, पेंशन मांगेंगे तो क्या करेंगे? ये हजारों की संख्या में है, इनको राहत दें। FIR और अरेस्ट बिल्कुल गलत है, ये नहीं होनी चाहिए, और ऊना में बहुत ज्यादा FIR और अरेस्ट हो गई हैं, चला हो गए हैं, तो ये तो इनको और ज्यादा खर्चा पड़ गया है, लोन भी देंगे, केस भी भुगतेंगे, तो ये निश्चित रूप से कल्याणकारी सरकार में नहीं होना चाहिए। जो FIR दर्ज कर रहे हैं पुलिस प्रशासन, उसके जरिए हमारा रोष प्रदर्शन है, और ट्रैक्टर वालों का क्या कसूर है सर? हम लोग ट्रैक्टर जो है ट्राली माइनिंग जो है अपनी स्वां से करते हैं, आधे ट्रैक्टर वालों के खेत में स्वां में जो है वो है, खेतों में ज़मीन है, स्वां में ज़मीन है, वहाँ से माल उठाते हैं, लेबर के जरिए उठाते हैं, हम लोगों ने कभी मशीन से नहीं भरा, मशीन से माइनिंग नहीं की, और हमारा जो चलान है वो चलान लग हो रहा है, लोगों के ऊपर FIR दर्ज हो रही है, लोग अंदर हो रहे हैं, जेल में हो रहे हैं, और उनको उनके ऊपर मुकदमा कर रहे हैं, और हमें बताया जा रहा है कि 3 साल की सज़ा है। मैं ये सरकार से भी पूछना चाहता हूं और विपक्ष से भी पूछना चाहता हूं, जब माइनिंग हो रही थी तो तब विपक्ष कहां था, सरकार कहां थी? आज खनन, आज स्वां सारा खाली हो चुका है, बिल्कुल मिट्टी पड़ी है वहां पे, जब मिट्टी पड़ी है तब ट्रैक्टर वाला रेता लेके आ रहा है, अपने घर के लिए लेके आ रहा है या लोगों के मकान के लिए लेके आ रहा है, जो 3-4 किलोमीटर के अंदर गिराता है, और उसके ऊपर प्रशासन पुलिस ट्रैक्टर पकड़ती है और उसके ऊपर मुकदमा करती है और चलान भी करती है। इसलिए हमारा विषय यही है कि हमारा जो है मुख्यमंत्री का ज्ञापन देंगे DC के माध्यम से कि हमारे जो है हमारा ना चलान किया जाए और ना ही हमारे ऊपर FIR दर्ज की जाए। लाइफ टाइम्स TV के लिए ऊना से अमित शर्मा की रिपोर्ट। हिमाचल के सबसे बड़ी ऑटो डीलरशिप गोयल मोटर्स में नौकरी करने का सुनहरा अवसर, सोलन, शिमला, सिरमौर और किन्नौर में चाहिए सेल्स एग्जीक्यूटिव, सर्विस एग्जीक्यूटिव, फील्ड एग्जीक्यूटिव, मोटर मैकेनिक और ड्राइवर, शानदार करियर संभावनाएं व इंडस्ट्री में बेहतरीन सैलरी पैकेज, तो आज ही कॉल करें 9418035372 पर और ईमेल से भेजें अपना बायोडाटा HR@goyalmotor.com पर।